हेलो, अरे बुलेटिन चलो। तो इस वक्त ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं राजस्थान के जयपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इससे पहले राजस्थान में आज दिन में भी प्रधानमंत्री ने जनसभाएं की हैं और अब शाम को जयपुर में, जो राजस्थान की राजधानी है, वहां पर प्रधानमंत्री एक रोड शो कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो रोड शो है, ये जयपुर के पुराने शहर यानी कि जिसको परकोटा इलाका कहा जाता है, उस इलाके में ये रोड शो किया जा रहा है। और अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आदर्श नगर, हवा महल और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे। यानी कि वो ये तीन विधानसभा क्षेत्र हैं जो प्रधानमंत्री के रोड शो के रास्ते में पड़ते हैं। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहाँ पर पीएम मोदी का रोड शो इस वक्त चल रहा है और सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन वहां पर स्वीकार कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये रोड शो है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं
और विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विशाल, जयपुर के जिस इलाके में ये रोड शो चल रहा है उस इलाके को लेकर के कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए और साथ ही साथ ये बताइए कि ये रोड शो कितना महत्वपूर्ण है। इस वक्त राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और पीएम मोदी वहां पर रोड शो कर रहे हैं और लोगों की भारी संख्या वहां पर दिखाई दे रही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? चंद्रशेखर, मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो जयपुर के परकोटे में चल रहा है। परकोटा मतलब कि सिटी वॉल, और ये वो जयपुर है जिसे सवाई जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में 1727 में बसाया था, और ये सांगानेरी गेट से शुरू होकर सांगानेरी गेट शहर जयपुर है जिसे हम असली शहर कहते हैं, जिसे गुलाबी नगर का नाम दिया गया है, वो इन्हीं दरों दीवारों से निकलकर वो नाम गया है, और यहीं से प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। और ये है जयपुर का दिल, और प्रधानमंत्री को देखने के लिए दूर दूर तक लोग उमड़ रहे हैं। पुलिस वालों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है और उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बैरिकेड तोड़ तोड़ के प्रधानमंत्री को देखने के लिए आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए 3-3 घंटे पहले से ये पूरा जो पुराना जयपुर है, पूरा परकोटे का इलाका है, यहाँ पर मंदिर भी मंदिर है, तो लोग मंदिरों में चले गए हैं, मंदिरों के छतों पर चढ़ गए हैं, और कहीं से भी प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए वो बेकरार है। आपने बात करी कितना महत्वपूर्ण ये रोड शो होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने कल बीकानेर में रोड शो किया था और आज जयपुर में ये रोड शो कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के ये जो रोड शोज है जो करीब 4 किलोमीटर का बीकानेर में था, 4 किलोमीटर के करीब यहाँ पर जयपुर में है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है बीजेपी के लिए। हालांकि बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होती है। चंद्रशेखर, बिल्कुल विशाल, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री यहाँ पर आदर्श नगर, हवा महल और किशनपोल, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके इलाकों को प्रधानमंत्री यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ दर्शकों को इसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए चंद्रशेखर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हालांकि ये बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है और स्ट्रॉन्ग सीट्स है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी को यहाँ से सफलता नहीं मिली थी, और उसके